सारे लोग कमर कस के तैयार हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ आवें, और जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी सारा बैठ कर रुख उधर करेगा। बैठ समाज को जो भी राजनीतिक दल इग्नोर करने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है शायद उसको बहुत महंगा पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो सबसे पहला हम लोग का फोकस उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री नटवर जी हैं। नटवर जी, जो दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक आप लोगों की 19 तारीख यानी 19 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित है, किन उद्देश्यों को लेकर वो बैठक है? उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि ये हमारी 19 तारीख को दिल्ली में जो बैठक है उसमें उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2022 का, उसमें वैश्य समाज की क्या भागीदारी है, क्या हिस्सेदारी है, कौन सा दल हमें अनदेखा कर रहा है, कौन सा दल हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे रहा है, इस पर चर्चा होना है। एक्चुअली ये राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश सांगी जी की अध्यक्षता में हो रहा है। समस्त प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित होंगे और उसमें लोग अपनी अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अलावा अन्य भी और कई 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो सबसे पहला हम लोग का फोकस उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या लगता है कि 2022 में वैश्य किसकी तरफ रुख करने वाला है? इस बार रुख उसी की तरफ होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी देगा, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगा, क्योंकि वैश्य समाज की जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी सदन में होनी चाहिए। क्या लगता है कि 19 तारीख की बैठक में क्या निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपकी तरफ से भी कुछ सुझाव हैं जो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उस मीटिंग में चर्चा की जाएगी? सुझाव मीटिंग में क्या है, एक चर्चा का विषय ये रहेगा कि मीटिंग में मेन सभी का एजेंडा ये है कि हम लोग जो राजनीतिक दल हैं उनके मुखिया से बात करें, बात करने के बाद अपनी लोगों की एक लिस्ट प्रोवाइड करें कि कौन कौन लोग हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने में सफल हों, ये हमारी परिचर्चा रहे। अच्छा अध्यक्ष जी, मान लीजिए वैश्य समाज का उत्तर प्रदेश के किसी भी पर्टिकुलर विधानसभा से अगर कोई ऐसा भावी विधायक या यूँ कहें प्रत्याशी जो बनना चाहता है और वैश्य समाज का है, तो क्या वो 19 तारीख की बैठक में दिल्ली आ सकता है? अभी तक ऐसा कोई प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। उसमें यह तय किया जाएगा, फिर उसके अलग से बैठक किया जाएगा। चूँकि ये सारे प्रदेशों के अध्यक्ष रहेंगे इसलिए उसमें यह कहना बुलाना उन लोगों के मुमकिन नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई आपकी तरफ से संदेश जो वैश्य समाज को 2022 विधानसभा चुनाव के लिए आप देना? सारे लोग कमर कस के तैयार हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ आवें, जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी सारा बैठ कर रुख उधर करेगा। वैश्य समाज को जो भी राजनीतिक दल इग्नोर करने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है शायद उसको बहुत महंगा पड़ेगा। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को खोल के रख, उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी